सम्मोहन करते वक्त कौन सी टेक्निक यूज की जाए, यह एक सोचने का मुद्दा है, क्योंकि अनेकों टेक्निक्स मालूम होती हैं एक सम्मोहनकर्ता को, तो उसके लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान देना है, कुछ विशेष परिस्थितियों का ध्यान देना है, उसके बाद आप चूज करेंगे, आपको चूज करने में आसानी होगी। जैसे कुछ बातें कि क्लाइंट का अनुभव क्या है हिप्नोसिस के बारे में। अगर क्लाइंट आपके पास पहली बार आता है, उसने हिप्नोसिस पे अनुभव नहीं किया है, तो हमें ऐसी टेक्निक यूज करनी है जिसके अंदर भौतिक एक्शन इन्वॉल्व हो, यानी जिसमें कुछ क्रिया की जाए और उस क्रिया का प्रभाव क्लाइंट महसूस करे और आप भी देखें, क्योंकि उसका एक पर्पज होता है। पर्पज है कि क्लाइंट की सजेस्टिबिलिटी क्या है, वो आपने समझनी होती है, और क्लाइंट के माइंड को भी एजुकेट करना होता है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि पहला सेशन हमेशा ऐसे इंडक्शन टेक्निक्स को लेकर यूज करें जिसमें कोई भौतिक एक्शन होता हो, जैसे आर्म रेजिंग, फिंगर स्प्रेडिंग या कोई हाथों के एक्शन वाली, इस प्रकार की टेक्निक हमने उसमें यूज करनी चाहिए। अगर पहला सेशन नहीं है, दूसरा, तीसरा या उसके बाद का कोई सेशन है, तो आपने वो टेक्निक्स यूज करनी है जिसमें सीधा फोकस इन्वॉल्व हो, जिसमें भौतिक क्रिया बहुत ज़्यादा जरूरत ना हो, जैसे स्पायरल पर देखना, अपने अंगूठे पे देखना, आँखों में देखना। इस प्रकार के अनेकों टेक्निक्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, यानी अनुभव जानना जरूरी है क्लाइंट का टेक्निक चूज करने से पहले। दूसरी बात जो हमें जाननी चाहिए वो है कि क्लाइंट का जेंडर क्या है। अगर क्लाइंट आपके अपने जेंडर का है, यानी आप पुरुष हैं और क्लाइंट भी पुरुष है, या आप महिला हैं क्लाइंट भी महिला है, तो उस वक्त टेक्निक ऐसी चूज की जा सकती है जिसमें आपको छूने की आवश्यकता भी पड़े तो आराम से छू सकते हैं, जैसे हाथ, कंधे, सर वगैरह को। लेकिन अगर अपोजिट जेंडर है तो ये ध्यान रखें, कम से कम भौतिक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। आपका माथे पे छूना तो कॉमन है, सर पे छूना भी कॉमन है, तो इतना मिनिमम इन्वॉल्वमेंट जिस टेक्निक का हो वो टेक्निक हमने उसमें यूज करनी चाहिए। ये बहुत ध्यान देने की बात होती है, कभी कभी मिसकम्युनिकेशन होने का खतरा रहता है अगर आपने क्लाइंट को हर चीज़ शुरू में बहुत नहीं समझाई है तो। और ये भी जान लें कि क्लाइंट की एज क्या है, किस उम्र का है क्लाइंट। अगर आपका क्लाइंट बच्चा है तो बच्चा तो थोड़ा चंचल होता है, बच्चे के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता है, यानी 10-12 साल का अगर क्लाइंट है, इवन 15-16 तक भी है, तो हमें उस पर बहुत लंबी टेक्निक यूज नहीं करनी चाहिए, उस पर फास्ट हिप्नोसिस की टेक्निक्स यूज करनी चाहिए, जैसे पेंडुलम से यूज कर सकते हैं, जैसे आँखों में देख के यूज कर सकते हैं, या कोई आँखों में प्रेशर बढ़ाने वाली या कोई झटका देने वाली, इस प्रकार की जो अनेक टेक्निक्स हैं जो झट से कार्य करती हैं वो हमने यूज़ करनी है जब हम बच्चे के साथ कार्य कर रहे होते हैं। बड़ों के साथ ऐसी टेक्निक यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है, उसे अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि बच्चे को तो थोड़ा सा ही टाइम चाहिए कंसंट्रेशन के लिए, वो बहुत जल्दी फॉलो करता है, और उसके बाद डीपनिंग में भी हम उसका छोटा वर्जन लेके चलेंगे, बहुत लंबी सेशन की डीपनिंग नहीं करेंगे। तो हमने बच्चे की या क्लाइंट की एज का भी ध्यान रखना है टेक्निक को चुनने के लिए। और पर्पज क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका क्लिनिकल पर्पज है तो क्लिनिकल पर्पज के अंदर टेक्निक्स लंबी होती हैं, क्योंकि वहाँ पे सेशन बिल्ड किया जाता है, तो वहाँ पे जो टेक्निक यूज़ करेंगे जिसके अंदर आप सेशन को धीरे धीरे बिल्ड कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप इंटरटेनमेंट में यूज़ कर रहे हैं तो उसमें झट से काम करने वाली टेक्निक यूज़ की जाएंगी, शोक देने वाली, इम्बैलेंस करने वाली, कन्फ्यूज़न पैदा करने वाली, तो इस प्रकार की टेक्निक्स वहाँ पे यूज़ की जाएंगी। क्लिनिकल सेटिंग की अलग टेक्निक्स हैं, और आपको इंटरटेनमेंट के लिए करना है तो इंटायरली डिफरेंट प्रकार की टेक्निक्स यूज़ की जाएंगी। अगर सेल्फ हिप्नोसिस करना है तो उसमें तो सिर्फ ध्यान लगाने वाली टेक्निक ही ज़्यादा बेहतर रहती हैं। तो जब भी हम किसी क्लाइंट को ट्रांस में ले जाने की बात करते हैं, किसी ट्रीटमेंट के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए, तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि
उसका पर्पज क्या है, उसका जेंडर क्या है, पहले उसका अनुभव क्या था और अब उसकी उम्र क्या है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आप टेक्निक चुनेंगे तो टेक्निक ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी।